हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हम लोग का जो टेस्ट सीरीज का सेशन चल रहा था 5 क्वेश्चन पर डे का, ठीक है, तो आज हम लोग अवेलेबल हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, ठीक है। और ये पॉलिटी सब्जेक्ट से है, टॉपिक है हम लोग का हाई कोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश है इस टेस्ट सीरीज के द्वारा कि आप लोग को उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और जहाँ तक हो सके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया जाए, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से बनी रहे। और अभी हाल ही में 67 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी हाल ही में आने वाला है, ठीक है। और इस बार का जो वैकेंसी होने वाला है वो 1000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें एसडीएम और डीएसपी के जो पोस्ट रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है, मे बी 100 प्लस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज है और कितना स्कोर आपने किया ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट पास किया गया था जिसके द्वारा 2-3 state या फिर एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो ना केवल गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, ना केवल आसाम का हाई कोर्ट है, बल्कि वो मिजोरम के लिए भी हाई कोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी हाई कोर्ट है और हमारा नागालैंड के लिए भी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार एक अमेंडमेंट पास किया गया था, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग को देखनी है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा पार्लियामेंट ऑथराइज किया था, ठीक है। मतलब वैसे वो अमेंडमेंट ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है फॉर 2 or more states, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 7th Amendment Act 1956, सेकेंड है 1st Amendment Act ऑफ 1950, थर्ड है 42nd Amendment Act ऑफ 1976 एंड द 4th one इज हियर 10th Amendment Act ऑफ 1961, ठीक है। तो ये चारों आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और 5th ऑप्शन हमारा रहता है एज पर द बीपीएससी पेपर पैटर्न, ठीक है। देर इज़ अ 5th ऑप्शन, इफ यू फाइंड एनी ऑप्शन दैट इज मोर देन वन देन यू कैन चूज ऑप्शन ई, एंड इफ़ यू कैन फाइंड नन ऑफ द एवर ऑप्शन इज करेक्ट फॉर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन यू कैन चूज ऑप्शन ई ऑल्सो, ओके। चलिए देखते हैं, देखिए ये जो अमेंडमेंट था ये हमारा 7th Amendment Act 1956 था, जिसके द्वारा पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है 2 या 2 से ज़्यादा state के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिलहाल अभी जो कॉमन हाई कोर्ट इंडिया में है वो टोटल 3 हाई कोर्ट है, ठीक है। कितना हाई कोर्ट है, 3 कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट है, ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है थोड़ा सा उसको भी खेल लेते हैं, क्या उससे क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल सकता है देख लेते हैं, ताकि एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 पॉइंट जान सके, हमारी कोशिश यही रहती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो सेकेंड ऑप्शन है 1st Amendment Act 1950, ये जो अमेंडमेंट था ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को एंट्री किया है, ठीक है। 9th शेड्यूल्ड इसके द्वारा एड किया गया था, ठीक है, हमारे शेड्यूल्ड का जो लिस्ट है टोटल अभी जो 12 है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल इसके द्वारा ऐड किया गया था 1st Amendment Act ऑफ 1950 के द्वारा। नाउ कम इन द थर्ड ऑप्शन, 42nd Amendment Act ऑफ 1976, इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ठीके? और इस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिलहाल आपसे एक पॉइंट, आप लोग को एक पॉइंट जानकारी होनी चाहिए अबाउट द 42nd Amendment Act ऑफ 1976, कि इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है, सेक्युलर सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इसके द्वारा ऐड किया गया था। नाउ 10th Amendment Act 1961 जो है ये दादरा और नागर हवेली को यूटी के रूप में हमारे इंडियन टेरिटरी में ऐड किया था, ठीक है। इस वक्त बाकी स्टेटमेंट, बाकी जो ऑप्शन थे उसकी भी जानकारी हम लोग की हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here the next question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। वहाँ पर लिखा गया है कि हाई कोर्ट में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज देर इज नथिंग मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन ही नहीं है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट, ये सही है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम एज पर द वर्कलोड वो हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, द जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सही बात है, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विथ गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ डेट कंसर्न स्टेट। ओके, तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नाउ ऑप्शन डी क्या है, आर्टिकल 213 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट। क्या आर्टिकल 213 अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बोलता है, बताता है, क्या ये करेक्ट है? नहीं। ठीक है, आर्टिकल 213 तो हमारा ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेशन ऑर्डिनेंस पावर है गवर्नर का, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो गवर्नर को होता है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 213 में। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट होता है बाय द प्रेसिडेंट उसके बारे में जानकारी मिलती है आर्टिकल 217 में, नॉट इन द आर्टिकल ऑफ 213। ठीक है, ये 217 में मिलता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करके और कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। ठीक है, ये हमारा 217 आर्टिकल में आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट है और चौथा भी डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिलहाल एज पर द क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही थी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, बिकाउच हेयर मोर देन टू ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो डेट्स वाई ऑप्शन ई इज ओवरऑल द करेक्ट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेम द ओनली यूनियन टेरेटरी इन इंडिया डेट हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। यानी आपको एक ऐसे यूनियन टेरेटरी के बारे में बात करना है, बताना है, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी जो यूनियन टेरेटरी हैं, फिलहाल हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक है, और ये यूनियन टेरेटरी जो है, मोस्टली यूनियन टेरेटरी, एक यूनियन टेरेटरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी यूटी जो हैं उनका हाई कोर्ट अपना नहीं है, वो आसपास के पड़ोसी वाले स्टेट के हाई कोर्ट से अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है, आप लोगों को बताना है कौन है। ऑप्शन क्या है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड गोवा, एंड ऑप्शन फिफ्थ नन एंड मोर देन वन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास एक अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, एक अपना हाई कोर्ट है, तो ये जानकारी आप लोग को होनी ही चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है। ठीक है, बीपीएससी के केस में क्या है कि फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये माइंड में रखना पड़ेगा। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर ए जज ऑफ हाई कोर्ट। यानी जज ऑफ हाई कोर्ट जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी पर्सन अपॉइंट ऐसे नहीं कर दिया जाएगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यू विल हैव टू फॉलो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डेट जज, ठीक है, ऑफ ए हाई कोर्ट। तो कौन कौन से क्वालिफिकेशन हैं, यहाँ ऑप्शन चार हैं, आप लोग को उसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है कि क्या ये क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट के लिए या नहीं क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो करेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करनी है यहाँ पर हम लोग को। ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या ही शुड बी ए इंडियन सिटीजन। ठीक है, सही बात है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एकदम सही है, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए भैया, हाई कोर्ट का जज बनना है तो। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ही शुड हैव
हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसे कम से कम 10 साल तक एक जुडिशियल ऑफिस इंडिया के अंदर हेल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड किया रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नाउ ऑप्शन थर्ड, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, क्या वो अगर कोई बंदा किसी हाई कोर्ट का 5 साल का वकील है, 5 साल तक वकील के रूप में काम कर रहा है, तो क्या वो जज के रूप में अपॉइंट हो सकता है? नहीं। ठीक है, दिस इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज हेयर द स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द डाटा इज हेयर 5 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हेयर द डाटा विल बी 10 ईयर्स। बिकॉज अगर कोई बंदा 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम कर रहा है, देन ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटेड, ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 10 साल होना चाहिए, 5 साल नहीं होगा। अगर 10 साल तक वकील के रूप में हाई कोर्ट में काम कर रहा है, एडवोकेट के रूप में काम कर रहा है, तो वो एलिजिबल है हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए डी क्या बोल रहा है, ही शुड बी एन डिस्टिंग्यूस्ड जूरिस्ट। ठीक है, ये जो है एक डिस्टिंग्यूस्ड जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर ये स्टेटमेंट हमारा रहता, ठीक है, पूछा जाता फॉर इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन ये स्टेटमेंट केवल वैलिड है ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, नॉट इन द केस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन शुड बी एलिमिनेट। ओके, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता था, क्योंकि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है तो आपको ये मेंशन है कि अगर कोई डिस्टिंग्यूस्ड जूरिस्ट है तो वो अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, बट ये फीचर्स इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ए और बी हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, यानी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जानना है, रॉन्ग, ये मार्क कर लेना, जब भी किसी क्वेश्चन में रॉन्ग पूछे या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे, आप लोग इसको पहले मार्क करके ही अपने ऑप्शन को सर्च करोगे। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाता है, हमारे पास काफ़ी कम टाइम रहती है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी हाई कोर्ट के जज का टेन्योर फिक्स नहीं करता है? हाँ, ये सही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये फिक्स नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, द जज ऑफ ए हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। क्या ये सही है? हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज कोई जज अगर हाई कोर्ट का है तो वो 62 ईयर तक ही उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है, आफ्टर डेट ही इज इनएलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ द सी ऑप्शन इज, द जज ऑफ ए हाई कोर्ट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट विथ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई जज ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर पार्लियामेंट, ठीक है, ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दे विथ सिंपल मेजोरिटी, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा ऐसा रिजोल्यूशन पास होना चाहिए विथ सिंपल मेजोरिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज हेयर द वर्ड सिंपल मेजोरिटी इज रॉन्ग, बिकॉज हेयर शुड बी स्पेशल मेजोरिटी। क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी। अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है, पार्लियामेंट का दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, एक रिजोल्यूशन पास कर दे फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, देन सॉरी फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, देन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उस हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये सब जानकारी काफ़ी अच्छे से होना चाहिए कि किस केस में स्पेशल मेजोरिटी होता है, किस केस में सिंपल मेजोरिटी होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को कन्फ्यूजन यहीं से होता है। ठीक है, तो ये सब माइनर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। नाउ ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, हिज रिमूवल इज इन सेम मैनर एज ए जज ऑफ ए हिज रिमूवल इज इन सेम मैनर एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो
सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इसका रिमूवल का प्रोसेस है। सही बात है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ से ऑप्शन डी से एक पॉइंट ये भी निकल हमारे सामने आ जाता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर रिमूव करना है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट उसके जज को रिमूव कर सकता है। ठीक है, चलिए कुछ ज़्यादा जानकारी आप लोग को अवेलेबल हो सके हमारे 5 क्वेश्चन के टेस्ट से। हमारी कोशिश यही रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटो ये नहीं है कि 5 क्वेश्चन को देखना है और उसका करेक्ट आंसर मतलब चूज करके आगे बढ़ जाना है। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ठीक है। आवर कॉन्सेप्ट इज दैट, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल ट्राई टू लर्न मोर देन वन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से बन सके, जानकारी में आ सके, हमारी कोशिश यही रहती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोग का 5 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था। आई होप आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, आपने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया होगा। ठीक है, कितना स्कोर किया है आप इस चीज़ को अपने कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो थैंक्स फ्रेंड, हमारा सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वैसे अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए हु नीड्स और BPSC टेस्ट सीरीज, ठीक है, हाई लेवल BPSC टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश मीडियम, ओके, बिकॉज दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन YouTube, ठीक है, दैट इज रनिंग इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ओनली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए और आपका सपोर्ट हमारे लिए वैल्यूबल है। ठीक है, थैंक्स।